हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनसाइड एग्रीकल्चर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कोकोपीट मीडिया में तैयार होने वाली सीडलिंग्स। दोस्तों, किस तरह से प्रोट्रे में कोकोपीट मीडिया, जिसमें आपका कोकोपीट होता है और इसके साथ आपका परलाइट होता है और वर्मिकुलाइट होता है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरह से हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीडलिंग तैयार की जाती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि आप किस तरह से कोकोपीट मीडिया में, जो सॉइल लेस मीडिया होता है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने थर्माकोल ट्रे है जिसमें हम प्लास्टिक की प्रोट्रे को फिक्स करते हैं और उसके बाद इस ट्रे में प्रोट्रे को लगाकर और सीडलिंग्स लगाने के बाद उसको इस तरह से स्टैंड पर रखते हैं जो प्रोट्रे को सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये आपकी प्रोट्रे है। इस प्रोट्रे में 99 कैविटीज़ हैं जिसमें 99 प्लांट्स लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि हमारे मीडिया की। ये सैंपल के लिए मैं आपको कुछ मीडिया दिखाता हूँ। ये इसमें कोकोपीट है बेसिकली, और उसमें आपका ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये आपका परलाइट है। और इसमें एक कंपोनेंट, जो तीसरा कंपोनेंट होता है, वो है वर्मिकुलाइट। इस प्रोट्रे को आप इस थर्माकोल ट्रे में शायद सेट कर देंगे और उसके बाद आप ऊपर से इसमें कोकोपीट मीडिया फिल करेंगे और उसके बाद इस कैविटी में आपको एक एक कैविटी में छेद करना है और उसके बाद ऊपर से आपको सीड लगाना है और ऊपर से वर्मिकुलाइट से इसे फिल कर देते हैं। वर्मिकुलाइट से फिल करने के बाद ट्रेज को कुछ दिन के लिए ऊपर नीचे स्टैकिंग पे रखते हैं जिससे कि जर्मिनेशन फास्ट हो जाए, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। और जैसे ही सीड जर्मिनेट हो जाता है तो उस ट्रे को हम स्टैंड पे शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है और इस पूरे प्रोसेस में आपको मिलती है हेल्दी और डिजीज़ फ्री सीडलिंग। ये आपके सामने कुछ बोटल गार्ड यानी कि लौकी की सीडलिंग है। और जब सीडलिंग तैयार हो जाती है तो हम फार्मर को इस ट्रे में, एक ट्रे जो 99 की होती है, कोरोगेटेड बॉक्स में पैक करके उसके व्हीकल में हम लोड करा देते हैं, जो उस आसानी से ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने घर ले जा सकता है या अपनी फील्ड पे ले जा सकता है लगाने के लिए। दोस्तों, ये तोरी की सीडलिंग है और ये आपके सामने करेले की सीडलिंग है। सीडलिंग को ले जाने के बाद किसान को सिर्फ क्या काम करना होता है कि एक पेड़ को इस तरह से पकड़ के कैविटी से बाहर निकालना होता है और पेड़ जड़ सहित बाहर आ जाता है। ये मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये पौधा जड़ों के साथ ही बाहर आ गया है और ये हेल्दी और डिजीज़ फ्री सीडलिंग है जो किसान अपने खेत में लगा सकता है और बेहतर प्रोडक्शन ले सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मीडिया हम इस प्रोट्रे में यूज़ करते हैं उसका सही कंपोजिशन क्या होता है, कितना पार्ट इसमें कोकोपीट का होता है और कितना पार्ट इसमें आपका वर्मिकुलाइट या परलाइट का होता है, इसके अलावा क्या क्या बारीकी हैं सीडलिंग ग्रो करने की, वो सब छोटी और बड़ी बातें मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से ही शेयर करूँगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।